कहीं धुआं मंजिल से भटका आज का युवा। जी हाँ, वैसे तो प्यार के रिश्ते को बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। प्यार के रिश्ते के लिए प्रेमी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन क्या हो अगर वही प्यार किसी की मौत का कारण बन जाए। जी हाँ, आज की एक ऐसी ही खबर पिथौरागढ़ जिले से हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। मामला कुछ ऐसा था कि पिथौरागढ़ के सीमान क्षेत्र में एक महिला का किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी जब पति को हुई तो उसके द्वारा महिला को काफी समझाया गया और पति द्वारा पत्नी के प्रेम संबंधों का विरोध किया गया। पति द्वारा अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने उसकी हत्या कर दी, साथ ही पति के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया था। मृतक के भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने दोषी महिला पर 70,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। दोषी की ओर से यदि अर्थदंड की धनराशि जमा की जाती है तो 50,000 रुपए प्रतिकर के रूप में मृतक की पुत्री को दी जाएगी।